जन्म हुआ जरूर माँ के गर्भ से, पर नवजात की सांस चली नहीं। सब हैरान थे, कुछ को छोड़ के लगभग मृत प्राय अवस्था में नवजात जा चुका था। आनन फानन में बैगन मास्क, वेंटिलेशन एवं ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित किया गया। नवजात को चेस्ट कंप्रेशन दिया गया, फिर भी नवजात के शरीर में कोई हरकत दिखती नजर नहीं आई। तत्काल देवदूतों ने अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग किया। फिर 30 मिनट बाद जो हुआ, सब ने एक ही बात कही, ईश्वर के देवदूतों को जितनी बार प्रणाम किया जाए उतना कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। दंतेवाड़ा जिले के गिदम के नजदीक हारम गांव में रहने वाली पुलिस आरक्षक लक्ष्मी कश्यप को 19 जुलाई को जिला चिकित्सालय में नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ। जी हां, प्रसव के बाद से ही नवजात का रेस्पिरेटरी रेट एवं हार्ट रेट नहीं दिखा रहा था। लगभग मृत प्राय अवस्था में उसे तत्काल वहीं के SNCU में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की सलाह पर नर्सिंग स्टाफ की लगातार कोशिशों, जीवन रक्षक इंजेक्शन तथा बैगन मास्क, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई और चेस्ट कंप्रेशन के माध्यम से अस्पताल स्टाफ को नवजात की सांस और धड़कन लौटाने में कामयाबी मिली। डॉक्टरों एवं SNCU नर्सिंग स्टाफ की मेहनत से नवजात में हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट आने के बाद जांच एवं उपचार के लिए 11 दिनों तक SNCU में रखा गया। अच्छी देखभाल और इलाज के बाद नवजात धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ गया है। स्तनपान के साथ ही सामान्य शिशुओं की तरह हरकत, दिल की धड़कन एवं सांस की गति सामान्य हो गई है। सारे पैरामीटर सामान्य होने के बाद शिशु को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। शिशु के माता पिता आरक्षक दंपति लक्ष्मी कश्यप और दयानंद कुमार ने अपने नवजात को पुनर्जीवन देने के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के SNCU के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के प्रति आभार प्रकट किया है। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।